कड़ाका निकल जासी, वो कहां गया वो कड़ाका, कौन से पहाड़ियों को स्टेटस मिला। आज आके पूरी स्पीच 70 साल तीन परिवार उसी पे घूमती रही पाकिस्तान। जम्मू वाले यार 8 साल का अपना भी तो हिसाब दे दो, क्योंकि ये जो जम्मू की लीडरशिप है ये बिल्कुल जीरो नालायक लीडरशिप मिली है जम्मू वालों को, क्योंकि ये हमें हमने इनकी कंडीशन देख ली, ये नीचे बिठाए हुए थे ग्राउंड पे, इनको स्टेज तक स्टेज पे जगह नहीं मिली, तो ये कहां उनके साथ बात कर पाते होंगे। उनकी स्पीच खत्म हुई और हमें लगा कि इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं बोला, तो तब जाकर कर हमने बीजेपी मुर्दाबाद, एलजी प्रशासन मुर्दाबाद के नारे वहां पे लगाए, अमित शाह जिंदाबाद के नारे भी लगाकर देख लिए और रैली में भी शमूलियत की, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। एक उम्मीद थी कि वजीर दाखिला अमित शाह हमारे लिए भी कुछ ऐलान करेंगे, हमारे लिए भी कोई तोहफा लेकर आए होंगे, लेकिन कोई भी तोहफा नहीं मिला। 107 दिन लगातार हो गए पीएचई के आरजी मुलाजमीन को एहतजाज करते हुए, और फिर ये उम्मीद थी कि शायद वजीर दाखिला अमित शाह हमारे लिए कोई बड़ा ऐलान करके जाएं, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। फिर से आज पीएचई के आरजी मुलाजमीन धरने पर बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। रवि हंस यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। सर, अमित शाह जिंदाबाद के नारे भी आप लोगों ने लगा लिए, आपने रैली में भी शिरकत कर ली, कहां तक आप लोग पहुंचे थे जब वजीर दाखिला अमित शाह की रैली जो है राजौरी में हुई, आप कहां तक पहुंचे थे, क्या रैली में आपको शमूलियत करने दी गई या नहीं? देखिए, हम रैली में पहुंचे थे और उनकी बिल्कुल स्टेज के पास में थे, बिल्कुल फ्रंट में थे। हालांकि रास्ते में हमें रोकने के लिए बहुत हथकंडे अपनाए गए, हमारे साथियों को डिटेन भी किया गया, मुझे भी 4 घंटे थाने में रखा गया। उस रात को भी मैं घर से बाहर रहा तो उस दिन भी परेशान बड़ा सीआईडी ने किया, इंटेलिजेंसी ने किया, पुलिस की तरफ से बार बार फोन पे तंग किया गया। हमारे कुछ साथ 2 बसें हमारी चौकी चौरा से वापस भेज दी गई, मशहरा में हमें रोका गया, कालाकोट में हमें रोका गया, लेकिन फिर भी हम लोग वहां तक पहुंचे और पहुंच के हमने पूरा अमित शाह जी का भाषण सुना, जैसे हमने पहले अनाउंस किया था कि हम उनकी पूरी स्पीच सुनेंगे, अगर उसमें हमारे लिए कुछ होगा तो जिंदाबाद करेंगे, नहीं होगा तो मुर्दाबाद करेंगे। जब उनकी स्पीच खत्म हुई और हमें लगा कि इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं बोला, तो तब जाकर कर हमने बीजेपी मुर्दाबाद, एलजी प्रशासन मुर्दाबाद के नारे वहां पे लगाए। उसका कारण यही था, इन लोगों को बीजेपी वालों को यह सबक था कि अगर गृह मंत्री की रैली होने के बावजूद, इतनी आपकी सिक्योरिटी होने के बावजूद, अगर डेली वेजर वहां पे पहुंच के नारेबाजी कर सकता है, आने वाले दिनों में जब आपकी पॉलिटिकल रैलियां होंगी वहां पे आपकी इतनी सिक्योरिटी नहीं होगी, ना इतना सिक्योरिटी का तामझाम होगा, ना आप पब्लिक को रोक पाओगे, उस वक्त आपका क्या होगा, क्या हश्र होगा। हम लोग आपको रैलियां नहीं करने देंगे, आपका विरोध हर एक रैली के अंदर होगा। और अगर दूसरी बात यह थी कि राजौरी, यहां से जाके अगर हम राजौरी में विरोध कर सकते हैं तो जम्मू तो हमारा अपना शहर है, हमारा अपना घर है, यहाँ पे आप हमारा सामना किस तरीके से कर पाओगे, यही एक बीजेपी को हमारा मैसेज देना था, वो हमने दे दिया है। फिर से आपकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया? देखिए, फिलहाल तो हमें कोई बहुत बड़ी उम्मीद तो थी नहीं, जैसा हम पहले ही कह रहे थे कि हमें कोई भरोसा नहीं है कि वो हमारे लिए कोई घोषणा करेंगे, क्योंकि ये जो जम्मू की लीडरशिप है ये बिल्कुल जीरो नालायक लीडरशिप मिली है जम्मू वालों को, क्योंकि ये हमें हमने इनकी कंडीशन देख ली, ये नीचे बिठाए हुए थे ग्राउंड पे, इनको स्टेज तक स्टेज पे जगह नहीं मिली, तो ये कहां उनके साथ बात कर पाते होंगे। हमने इनको बोला था कि अगर आप इस चीज से बचना चाहते हो, नारेबाजी से बचना चाहते हो, तो हमारा एक डेलीगेशन उनके साथ मिलवा दो। मतलब इनकी कोई अपनी सुनवाई नहीं है तो आपकी ये क्या सुनवाई करवाएंगे? बिल्कुल, हमने इनको बोला था कि अगर आप, इनको पता था कि ये नारेबाजी करने जाएंगे, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को पता था, लेकिन हमने कहा था ठीक है हम नहीं करेंगे नारेबाजी, आप जम्मू में वो आ रहे हैं हमारी जम्मू में बात करवा दो, ये जम्मू में हमारी बात ही नहीं करवा पाए, मसले का हल क्या करवाएंगे। इसीलिए हमें कोई बड़ी उम्मीद नहीं थी कि वहां पे हमारे लिए घोषणा होगी, हमारा सिर्फ ये ट्रेलर दिखाना था उनको कि आने वाला जो समय है वो आपके लिए किस तरीके का होगा, आगे आने वाले समय में आपके साथ क्या चीजें आपको फेस करनी है, यही एक चीज बताना। और गृह मंत्री के आने पे, क्योंकि सबसे बड़ी फोर्स अगर कोई होती है तो वो अमित शाह जी के साथ होती है, क्योंकि वो डिफेंस होम मिनिस्टर हैं और सारी फोर्सेस उनके अंडर आती हैं, और दूसरा प्रधानमंत्री जी के साथ फोर्सेस होती है। जब इन छोटे 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 भैये नेताओं की बारी आएगी रैलियां करने की, तो फिर इनके कपड़े भी उतर जाएंगे उन रैलियों में, हम थोड़ी छोड़ेंगे इनको। एक ही तरीका है बचने का, वो है डेली वेजर की रेगुलाइजेशन, अगर ये करते हैं तो फिर ये बच सकते हैं, अदरवाइज आने वाला टाइम बहुत खराब है। लीडर्स के लिए जो कमीशन बनाया गया है उसने भी, कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट करवा दी है, क्या लगता है कि इस बार कोई फेयर रिपोर्ट होगी, आपके मसाइल हल होंगे? मैंने जैसा पहला कहा, ये बड़े देर से 8 साल से लोगों को गुमराह कर रहे हैं,
और अब क्या करेंगे ये कोई भरोसा नहीं है। जब तक रिटर्न में फाइनलाइज कोई सामने चीज नहीं आएगी, हमें इनके ऊपर एक रत्ती भर का भरोसा नहीं है कि ये लोग कुछ हमदर्द है लोगों के। वहां पे बड़ा शोर मचाया हुआ था, इन लोगों ने पहाड़ियों को स्टेटस मिलेगा, पहाड़ियों को स्टेटस मिलेगा, कड़ाका निकल जासी। वो कहां गया वो कड़ाका, कौन से पहाड़ियों को स्टेटस मिला? आज आके पूरी स्पीच 70 साल 3 परिवार उसी पे घूमती रही पाकिस्तान। जम्मू वाले यार 8 साल का अपना भी तो हिसाब दे दो। आप पिछले 70 साल को कितने देर तक गीत गाते रहोगे? 70 साल गुजर गए, अब 78 साल हो गए। 8 साल का आप भी सत्ता में बैठे हो, आप 8 साल की बात करो ना, कहां क्यों पीछे घुमा रहे हो लोगों को? पिछली सरकारें 3 परिवार, जब खुद जरूरत पड़ती है उन्हीं 3 परिवारों से जिनका ये जिक्र करते हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी तो उमर अब्दुल्ला को सेंटर में मिनिस्टर बना दिया गया, जब यहाँ खुद सत्ता की भूख पड़ी तो महबूबा जी के साथ कुर्सी शेयर कर ली, उनके साथ मिलकर सरकार बना ली, और आज उनको कहते हैं कि ये गलत है, ये करप्शन में इन्वॉल्व है, ये देश विरोधी है। जब खुद की बात आती है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। अब एहतजाज इसी तरह से आपका जारी रहेगा या एहतजाज आप खत्म करेंगे? बिल्कुल खत्म नहीं होगा बिना रेगुलराइजेशन के, ये बढ़ता जाएगा और इसमें एंगल चेंज होते जाएंगे। 1-2 दिन के अंदर पूरे डिस्ट्रिक्टों से साथियों को बुला के यहाँ पे एक मीटिंग करने जा रहे हैं, उसके बाद बड़ा आंदोलन, इससे भी बड़ा कोई बड़ी रैली, दिल्ली कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, करेंगे। तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक रेगुलराइजेशन नहीं होगी। या रेगुलराइजेशन होगी तो इनको सत्ता मिलेगी, वरना अगर हमें रेगुलराइजेशन नहीं मिली तो गारंटी से कह रहा हूँ, चैलेंज करके कह रहा हूँ, इस मीडिया पोर्टल पे सेव करके रख लें ये बीजेपी वाले, जब सत्ता में आएंगे तो बता देना हमें। बहुत सारी थी मगर हमारा ये स्पष्ट संदेश भी था, अगर डेली वेजर के हित में कुछ हुआ नहीं तो हम मुर्दाबाद के नारे लगेंगे। वो सेम वो सारा कार्यक्रम हुआ उधर, अब फ्रंट की तरफ से जो एक नया कार्यक्रम है, नया स्टेप है कि कोई भी जम्मू में बीजेपी का बड़ा कार्यक्रम होगा तो भाषण होने से पहले पहले नारे मुर्दाबाद के लगेंगे। जहां तो पार्टी जहां भी प्रशासन कार्यक्रम करने से पहले हमारी रेगुलराइजेशन पॉलिसी को फ्रेम करे, नहीं तो ये वाला सेटअप देखने के लिए तैयार रहे। हम जो मीडिया में कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जहां से रजौरी जाना, तकरीबन अभी पुलिस वालों ने बहुत से डेली वेजरों को जगह जगह डिटेन किया और वापस भेजा, पर फिर भी पीएचई डेली वेजरों का जोश और मनोबल देख के एलजी प्रशासन घबराया हुआ था। ये घबराहट हमें अच्छी लगी, ये घबराहट एलजी प्रशासन के मुंह पे रहनी चाहिए। जब तक हमारी पॉलिसी नहीं होती ये जंग जारी रहेगी, जारी रहेगी। हम अपने बच्चों का इंसाफ मांगने जा रहे हैं, हमें कोई राजपाट, कोई गद्दी, कोई कुर्सी नहीं चाहिए, सिर्फ 2 टाइम का खाना चाहिए। 25 साल इस डिपार्टमेंट को हमने चलाया है, अब हमारे हक की बात आई तो जे हमें गोल गोल घुमा रहे हैं, अब जे बर्दाश्त नहीं होगा। एक नई जंग आज के बाद शुरू हो जाएगी। कोई भी पार्टी बड़ा कार्यक्रम करेगी पहले उसे पीएचई डेली वेजर का सामना करना पड़ेगा, उसके बाद फिर वो अपना कार्यक्रम करेगी। हम थोड़े दिन के अंदर पीएचई डिपार्टमेंट के 22,000 जम्मू में बुला रहे हैं, फिर सड़कों में एक बार शक्ति प्रदर्शन होगा पीएचई डिपार्टमेंट की तरफ से, डेली वेजर की तरफ से। ये रोड भी बंद रहेंगे, ये पानी की व्यवस्था भी बंद रहेगी, जितना सारा मसला रहेगा उसका कसूरवार एलजी प्रशासन रहेगा, ना कि पीएचई पार्ट यूनाइटेड फ्रंट। दाखिला अमित शाह राजौरी के दौरे पर थे, बारामूला में भी उन्होंने पब्लिक खिताब किया, लेकिन पीएचई के आरजी मुलाजमीन आज भी निराश है और इनका ये कहना है जब तक अगर बीजेपी को सत्ता चाहिए तो हमें रेगुलराइजेशन चाहिए, अगर हमारी रेगुलराइजेशन है तो बीजेपी की सत्ता नहीं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए आप इंक्वायर और सूडे के साथ इजाजत, अल्लाह हाफिज़।